दिल्ली के कार्यालयों में अब से केवल होगी अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि अब से दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें होंगी और किसी भी राजनीतिक नेता की कोई तस्वीर नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब सरकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी नहीं लगेगी। क्या है ऑपरेशन सर्द हवा? सीमा सुरक्षा बल BSF ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना है। सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान 21 जनवरी 2022 को शुरू किया गया है और भारत के गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए 27 जनवरी 2022 तक चलेगा। तो इन व्यक्तियों पर सुशोभित होगा पद्म विभूषण। जनरल रावत का नाम भी सम्मिलित। सरकार ने उन हस्तियों की सूची की घोषणा कर दी है जिन्होंने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। CDS जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पद्म भूषण मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने क्यों किया पद्म भूषण को इनकार? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मंगलवार को पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका संज्ञान नहीं था, अतः वह पुरस्कार नहीं लेंगे। गृह मंत्रालय ने पहले दिन में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी और श्री भट्टाचार्य जी का नाम पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में है। उन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका, यूरोप ने यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ एकता की घोषणा की। इस बात पर जोर देने के बावजूद कि उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के करीब करीब 1,00,000 सैनिकों को तैनात किया है। यूक्रेन के खिलाफ हमले से रूस को रोकने के लिए यूरोपीय नेताओं के साथ संकट वार्ता के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन ने सोमवार को पश्चिमी शक्तियों के बीच पूर्ण एकता की घोषणा की। नाटो को बढ़ावा देने के लिए संभावित तैनाती के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को स्टैंड बॉय पर रखा गया है।